हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर आप राजस्थान के निवासी हो और किसी कारणवश आपका बर्थ, मैरिज व डेथ सर्टिफिकेट गायब हो गया हो, तो आप घर बैठे ही बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा इनको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, यही हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, वो बड़ी आसानी से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। दोस्तों, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपके पास चाहे फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो, आप जो भी ब्राउज़र यूज कर रहे हो, ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। वह ओपन करने के बाद इसके सर्च बॉक्स में जाके आपको टाइप कर लेना है पहचान। पहचान ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके द्वारा आप बर्थ डेथ सर्टिफिकेट जो है एक ही वेबसाइट के द्वारा डाउनलोड कर सकोगे। तो जैसे ही आप पहचान लिख के इसको सर्च करोगे, इस तरह से जो है इसका फर्स्ट पेज आपके सामने खुल के शो हो जाएगा। अभी इसमें जो फर्स्ट में दिया हुआ है पहचान, राजस्थान बर्थ एंड डेथ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही जो है ये इस तरह की पहचान की वेबसाइट मेरे सामने खुल के शो हो जाएगी। राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली, राजस्थान सरकार आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय, तो ये वेबसाइट आपके सामने खुल के शो हो जाएगी। अभी क्या करना है, इस पेज को आपको फुल्ली ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और सबसे नीचे आना है आपको, तो इस तरह का जो है वेबसाइट का जो है पेज खुल के आपके सामने शो हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो इसमें एक ऑप्शन है डाउनलोड सर्टिफिकेट का, तो डाउनलोड सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही फिर मेरे सामने जो है इसका नेक्स्ट पेज आपके सामने खुल के शो हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया है, आप एक ही वेबसाइट के द्वारा अपने जो है बर्थ डेट व मेरी जो सर्टिफिकेट को जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड सर्टिफिकेट, इसमें जन्म, मृत्यु, मर्थ, जन्म, विवाह, यानी सभी आप जो है सर्टिफिकेट इसके द्वारा बर्थ डेथ और विवाह का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको जो भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हो नीचे वो ऑप्शन दिया हुआ है पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर। अगर आप पंजीकरण संख्या के ऊपर क्लिक करते हो तो नीचे आपको पंजीकरण संख्या और ईयर फिलअप कर देना है, और उसके बाद में आप देख सकते हो कैप्चा कोड दिया हुआ है, तो कैप्चा कोड जो कैप्चा का बॉक्स है उसमें कैप्चा कोड डालना है, और नीचे जो खोजे का ऑप्शन है वो क्लिक कर देना है। या आप मोबाइल नंबर के द्वारा, अगर आपने मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है ये सर्टिफिकेट बनवाते समय, तो आप वो भी ऑप्शन देके उसके ऊपर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा कोड डालें और खोजे के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर के द्वारा अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।